दोस्तों यह है हमारे पास बोट की दो स्मार्ट वॉचेस, ये वाली है वेव फ्यूरी और ये वाली है स्टॉर्म प्रो। दोनों वॉचेस की आज हम कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी वॉच बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दोनों वॉचेस के बॉक्स कुछ इस तरह के हैं। बोट स्टॉर्म प्रो के तो काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉक्स दिया गया है और ये तो रेगुलर वाला है जैसे आता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ये स्मार्ट वॉचेस हैं। वेव फ्यूरी जो है दोस्तों आपको सिलिकॉन स्ट्रैप में भी मिल जाएगी। फिलहाल मेरे पास ये मेटल वाली है, दोनों का प्राइस लगभग एक ही है। और ये है हमारे पास बोट स्टॉर्म प्रो। सबसे पहले हम इन दोनों वॉचेस के बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करते हैं। तो ये वाली जो है फ्यूरी, ये आपको प्लास्टिक मिलती है और आगे पीछे हर तरफ प्लास्टिक है इसमें, लेकिन इसका स्ट्रैप जो है मेटल का मिलता है और एक क्राउन मिलता है जो कि वर्किंग है और इसे कुछ सेंसर्स हैं। यहाँ माइक है और इस साइड में आपको स्पीकर मिल जाता है। स्टॉर्म प्रो की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटल मिलता है चारों तरफ, पीछे जो है आपको प्लास्टिक ही मिलती है, सेंसर्स हैं, चार्जिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पीकर के लिए या माइक नहीं मिलता क्योंकि इसमें कॉलिंग नहीं आती है। वेव फ्यूरी में आपको कॉलिंग मिल जाती है। दोनों वॉचेस 1500 के आसपास आती हैं। वेव स्टॉर्म प्रो 1600 रुपये की है और ये वाली 1500 रुपये की है। हो सकता है अभी इसका प्राइस जो है ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन दोनों का लॉन्चिंग प्राइस यही है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें दोनों की, तो आप देख सकते हैं वेव फ्यूरी में कितने डल कलर हैं, कितनी बेकार सी डिस्प्ले लग रही है। इसमें ज़्यादा क्लियरनेस नहीं है, ना ही क्लियरिटी है और ना ही शार्पनेस है। आईपीएस डिस्प्ले मिलती है और बेजल्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और इन बेजल्स को आप देख भी सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बेजल्स हैं। इसकी डिस्प्ले साइज़ है 1.83। और बोट स्टॉर्म प्रो की बात करें तो यहाँ पर आपको 178 इंच की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे कलर्स और काफ़ी शार्प डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन भी मिल जाता है, लेकिन आपको वेव फ्यूरी में इस तरह का कुछ नहीं मिलता है। और स्ट्रैप की बात करें तो आप देख ही सकते हैं ये मेटल में है, ये जो है सिलिकॉन में है। दोनों की क्वालिटी अच्छी है, चाहे तो आप इसको भी सिलिकॉन में ले सकते हैं। अब इनके फीचर्स की बात करें तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँगी, इसमें कॉलिंग नहीं है आपको स्टॉर्म प्रो में, इसमें कॉलिंग मिलती है। इसमें म्यूज़िक कंट्रोल भी मिल जाएगा आपको अच्छे से और वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। कॉलिंग ऑब्वियस सी बात है, वो तो है ही, लेकिन इसमें आपको तीनों फीचर्स नहीं मिलेंगे, इससे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है और सेंसर्स दोनों के लगभग सेम हैं। वेव फ्यूरी ने रखते ही फौरन डिटेक्ट कर लिया कि ये ह्यूमन बॉडी नहीं है, लेकिन स्टॉर्म प्रो में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये भी डिटेक्ट कर लेती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके यूआई की, तो ऊपर से नीचे स्वाइप करने पर दोनों पर कुछ इस तरह से शॉर्टकट्स मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा कलर्स ऐड हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ब्लूटूथ कॉलिंग वाले फीचर्स इसमें जाहिर सी बात ज़्यादा है। सेटिंग्स की बात करें दोनों वॉचेस की, तो कुछ इस तरह की सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं ब्राइटनेस, वॉलपेपर्स, इसमें स्क्रीन, स्लीप, ऑलवेज ऑन, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम वेव फ्यूरी की बात करें, इसमें लैंग्वेजेस एक्स्ट्रा हैं और थीम एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन इसमें ऑलवेज ऑन जैसा कुछ भी नहीं है। नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो हमें यहाँ पर बोट स्टॉर्म में स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। वेव फ्यूरी में लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पर हमें ये शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से। स्टॉर्म प्रो में भी हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें आप फीमेल वेलनेस भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं तो फ्यूरी में आपको जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये काफ़ी यूनिक सा लगता है। दोनों में क्राउन मिलता है, लेकिन वर्किंग फ्यूरी में है, स्टॉर्म प्रो में वर्किंग क्राउन नहीं मिलता है। मेनू की बात करें तो कुछ फीचर्स आपको वेव फ्यूरी में ज़्यादा मिलेंगे, जैसे वॉइस असिस्टेंट है और म्यूज़िक कंट्रोल है, अलार्म। स्टॉर्म प्रो में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, अलार्म मिलता है लेकिन इसके अलावा चीज़ें नहीं मिलती हैं। म्यूज़िक कंट्रोल है लेकिन सिर्फ उससे आप जो है कंट्रोल ही कर सकते हैं, आपकी वॉच में वो नहीं प्ले होगी। प्राइस की बात करें तो दोनों में लगभग एक ही प्राइस है, 1600 रुपये की ये वाली वॉच है स्टॉर्म प्रो और 1500 रुपये की ये वाली है वेव फ्यूरी। और प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक प्राइस घट बढ़ सकता है। तो अगर आपको कॉलिंग नहीं चाहिए है तो आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जैसे बिल्ड एंड डिज़ाइन, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं, अगर सिर्फ यही दो अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें आप ये वाली ले सकते हैं स्टॉर्म प्रो। और अगर आपको कॉलिंग चाहिए है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर भी आपको बहुत सारी वॉचेस देखने को मिलेंगी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली वॉच है बीट एक्सपी मवरेज, ये ज़्यादा अच्छी वॉच है और ये आपको कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स दे देती है। अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। दोनों वॉचेस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इनका रिव्यू, अनबॉक्सिंग और बाय करने का भी लिंक। तो दोस्तों आप मुझे बताएं आपको कौन सी अच्छी लगी है, और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में, इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।